हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस तरह की वीडियो लेकर नहीं आ रही थी। आज मैंने बहुत टाइम बाद अपना जो पुराना नेल पेंट है उसको रिमूव किया है अपने पैरों से, और काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था ये नेल पेंट लगाए हुए। तो आज मैंने सोचा इसको रिमूव करते हैं, और बहुत दिनों से मैंने ना ब्लू कलर का नेल पेंट नहीं लगाया है, तो आज मेरा मन था ब्लू कलर का नेल पेंट लगाने का। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने जो नेल पेंट है पुराना वाला उसको अच्छे से रिमूव करेंगे। और मेरे पैरों पर ना अभी कोई भी, मतलब मैंने पेडिक्योर वगैरह नहीं किया है, मैं अपने घर पर ही करती हूँ, कहीं भी मतलब बाहर नहीं जाती हूँ, तो इसलिए पैर थोड़े से रफली हो रखे हैं इस समय। और अभी मैं फटाफट से अपना जो नेल पेंट है उसको रिमूव करूँगी। लेकिन हाँ, मेरे पास अभी स्क्रब करने के लिए ना कॉफ़ी पाउडर था नहीं, तो मैंने इसलिए स्क्रब नहीं किया है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर से अगर मैं अपने पैरों पे स्क्रब करती ना तो मेरे पैर और भी चमक जाते। और इस बार सर्दियों में मैंने सिर्फ एक ही बार अपने पैरों पर स्क्रब किया है, ज़्यादा मैंने सर्दियों में केयर नहीं की, वैसे करनी चाहिए सर्दियों में केयर। तो अभी देखिए, एक पैर का नेल पेंट तो रिमूव हो गया है, तो अभी मैं अपने दूसरे पैर का भी जो नेल पेंट है उसको रिमूव कर लूँगी, और उसके बाद हम लगाएंगे अपना ब्लू कलर का नेल पेंट। और नेल पेंट लगाते समय भी मेरे से हमेशा गड़बड़ होती है, तो इस बार भी हुई है। गड़बड़ क्या होती है वो आप देखते रहिएगा मेरी वीडियो को, आपको पता चलेगा कि मैं क्या गड़बड़ करती हूँ नेल पेंट लगाते हुए। क्योंकि जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ, पता है क्या, मेरे हाथों पे भी नेल पेंट नहीं लगाता, तो पहले तो मैंने अपने हाथों पे नेल पेंट लगाया है। तो अभी आप देख लीजिए, मैंने अपना जो नेल पेंट है उसको रिमूव कर लिया है, और पैरों की केयर ना करने की वजह से आप मेरे पैर देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। वरना मैं अपने पैरों की बहुत केयर करती थी, लेकिन इस बार सर्दियों में मैंने कुछ भी ज़्यादा अपना पैरों का देखभाल नहीं किया है, ना ही अपने हाथों की, मतलब अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है इस बार। तो चलिए, पहले तो हम नेल पेंट लगाएंगे, और नेल पेंट मैंने आपको दिखाया है, ब्लू कलर का नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि ये नेल पेंट मैंने बहुत टाइम से नहीं लगाया है। और चलिए, आज इसका भी नंबर आ गया है, लगा ही लेते हैं। तो पहले तो मैं अपने हाथों पे नेल पेंट लगाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही कैसे लगाऊँ, क्योंकि मुझे, मैं अगर नेल पेंट लगा रही फिर वो वीडियो शूट नहीं हो रही है, तो इसी चक्कर में पता है क्या, मेरा नेल पेंट भी ख़राब होता है कभी कभी, कि मैं अपना मोबाइल का कैमरा सेट करूं कि नेल पेंट लगाऊं, तो नेल पेंट हमेशा कहीं इधर उधर लग ही जाता है, कभी हाथों पे कभी पैरों पे, वो तो हो ही जाता है। तो अभी मेरे एक हाथ में नेल पेंट लग गया है, और अभी मैं दूसरे हाथ पर भी नेल पेंट लगा लेती हूँ। हाँ, आपने गौर किया मैंने इसमें पायल कौन सी पहनी है, ये देखिएगा। पहले जो मैंने अपने पैरों में पायल पहनी है, बहुत महीनों बाद मैंने ये पायल पहनी है, आज मेरा मूड हुआ ये पायल पहनने का, तो मैंने आज इन पायलों को पहन ही लिया। और ये पायल बहुत बजती है, लेकिन हाँ, मैं इसका आपको वीडियो नहीं सुना सकती, मतलब वीडियो में, क्योंकि बाहर गाड़ियों का बहुत शोर था, जिसकी वजह से जो मेरी पायल की आवाज़ ही वो दब जाती, तो मैंने उस ऑडियो को रिमूव करके मैं ओवरवॉइस कर रही हूँ। और मेरे हाथों का नेल पेंट ख़राब हो चुका है, आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद मेरे पैरों का भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नेल पेंट सूखा नहीं था, गीला था, और वीडियो शूट करनी थी, तो यही होता है, या तो हम नेल पेंट लगा के आराम से घंटा के लिए आराम से बैठ जाएं, कोई वीडियो शूट ना करें, कुछ ना करें, उसके बाद शूट करें तो सही रहेगा, लेकिन नहीं, हमको तो करनी है जल्दबाजी, तो जल्दबाजी में तो हो ही जाता है फिर ऐसा काम ख़राब, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो शूट करना भी बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, तो ये वाली पायल भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत है, इसमें चारों तरफ घुंघरू लगे हुए हैं पायल के, और ये जो कलर है आप तो देख ही रहे, गोल्डन है, बहुत ही प्यारी है। तो ये लीजिए, एक पैर में नेल पेंट लग चुका है, आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिएगा, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए, एक पैर में तो नेल पेंट लग गया, लेकिन हाँ, ख़राब भी हो चुका है, क्योंकि इधर से उधर हाथों पे लग चुका है पैरों का नेल पेंट। तो अब बारी है हमारे दूसरे पैर पर नेल पेंट लगाने की, इसमें भी गड़बड़ ना हो सकता, तो हो ही नहीं सकता है भैया, होनी है तो होनी है गड़बड़, लो हो गई, नेल पेंट ज़्यादा हमने ले लिया ब्रश में, जो कि फैल चुका है, और इतनी जल्दी सूखा भी नहीं है नेल पेंट। तो अभी हम ऐसी हालत में ही वीडियो शूट कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से संतुष्टि से हमको नेल पेंट लगाना चाहिए था।
तो यहाँ पर हमने अपने दोनों पैरों में नेल पेंट लगा लिया है, अपने हाथों में भी लगा लिया है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा नेल पेंट चाहिए, और पायल ये वाली मैं वेयर करूँ या नहीं करूँ, या फिर मैं अपनी चांदी की पायल ही वेयर करूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये देखिएगा, नेल पेंट चादर पे भी लग गया है, छूट गया है। तो आज की जो वीडियो है अब यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।